हेलो वेलकम एवरीवन, मैं हूं मान, आप सभी का वेलकम करता हूं बॉलीवुड कप शॉप। और आज श्री जैन मेकओवर प्रेजेंट एसजीएम अवार्ड, जहां आज ईशा कोपेकर आई थी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, नागपुर वालों ने तो उन्हें बहुत प्यार दिया। सबसे पहला सवाल, नागपुर आके कैसा लगा आपको? हमारी मैम कर रही है, बाकी लोगों को शांत रह के कह रही है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई हमारे लिए ऐसा करता है। अच्छा, नागपुर आके कैसा लगा? मुझे नागपुर आके बहुत अच्छा लगा। सेंटर ऑफ इंडिया में बहुत बार आ चुकी हूँ, और आइए श्री जी, आज मैं इनके वजह से ही यहाँ हूँ। तो ये मेकअप अवार्ड्स जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई इंडस्ट्री, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो बिहाइंड द सीन्स टेक्नीशियंस हैं, उनको उनका टैलेंट रिकग्नाइज किया जाता है, उनको अवार्ड किया जाता है, उनके जो उनका जो काम है, ये बहुत हद तक, मैं कुछ हद तक नहीं कहूँगी, बहुत हद तक जो हम लगते हैं इन्हीं की वजह से हैं, अच्छा या बुरा दोनों। इतने सारे अवार्ड्स हुए आज तक, बॉलीवुड इंडस्ट्री में गए होंगे, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स देखे होंगे, लेकिन मेकअप के ऊपर हम बहुत कम अवार्ड्स देखते हैं। तो श्री जैन ने यहाँ लॉन्च किया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। तकलीफ से क्यों मैम, मैंने बहुत तकलीफ से क्यों, लोगों ने मुझे बहुत पीछे खींचने की तकलीफ किए थे, पता है आपको ला रही हूँ ना, तो बहुत लोगों ने ये बोला कि हाँ कैसी करती है तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन मैम आज आप आए हो ना, तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सक्सेस हो गई हूँ। ये ना खुशी की आंसू है, अवार्ड है मैम, फर्स्ट सेलिब्रिटी अवार्ड मैंने ये फर्स्ट टाइम की हूँ, लेकिन सक्सेसफुल। आज 450 मेकअप आर्टिस्ट हैं मैम, कहाँ कहाँ से नहीं आए, आपके वजह से मैम। उनके वजह से बस। नागपुर का वेलकम कैसा लगा, यहाँ के लोग, यहाँ के? बहुत ही ज़ोरदार, धमाकेदार। ये आप लोगों ने वो शावर बॉम्ब्स जो है और फटाखों के साथ मेरा स्वागत किया, कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बॉलीवुड में आपका कब्जा, पॉलिटिक्स में आपका कब्जा, कुछ और चीज़ें बची हैं जहाँ आप नहीं जा रहे हो? मेरा हॉस्पिटैलिटी का भी है काम, मेरा छोटा सा क्लाउड किचन है बॉम्बे में। क्या है, भगवान ने सिर्फ 24 घंटे दिए, काश कुछ और देते तो, ओनली 365 डेज अ ईयर, काश कुछ और होता, ज़्यादा होता। एक ज़िंदगी है, जो कर सकती हूँ करूँगी, अभी प्रोडक्शन में भी हाथ डाल रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है। साइड एक्टर के लिए तो मैं बैठा हूँ मैम। साइड क्यों? मैं बहुत जल्दी ईशा मैम की मूवी में काम करने वाला हूँ, आप देखते रहिए। तो जाते जाते आप नागपुर के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? नागपुर आपको, नागपुर के दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। जेव्हा पण मी इकडे येते, मला खूप सम्मान आणि खूप म्हणजे तुमचं प्रेम भेटतं, आणि मला एक खूप आनंद होतो इकडे यायला। इकडचं जेवण पण खूप मजेदार आहे, मला खूप आवडतं, पण आज मला आय डोंट थिंक चान्स भेटणार आहे, कारण हा इव्हेंट संध्याकाळी होता आणि मी आता लेट इव्हनिंग फ्लाईटनी परत जाणार, पण थँक्यू सो मच फॉर युअर लव। आणि मी प्रयत्न करणार जेवढं होऊ शकते तेवढं मी नागपूरला यायला। मैं सोच रहा था कि श्री मैम कुछ कहना चाहती है आपसे, आप जाते थे ईशा मैम को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आज जो शो हिट हुआ है, धमाकेदार हुआ है, पूरी पब्लिक खुश हो गई है, सब कुछ बराबर हुआ है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहोगे आप ईशा मैम को? थैंक यू ईशा मैम कि तुम्ही इथे आला आणि आज म्हणजे लोकांनी जे मला म्हटलं होतं की नाही करू शकत ते मी आज करून दाखविलं आहे, ते तुमच्यामुळे झालं, मला खूप प्रतिसाद मिळाला मॅम। आज 450 पब्लिक आज बघत आहे आणि लाईव्हमध्ये, सगळ्यांनी लाईव्हमध्ये बघितलं आज ईशा मॅमला, जे मला लोक म्हणत होते आज मी ते करून दाखवलं, थँक्यू मॅम। थँक्यू सो मच बीसीएनचे जुडने गेले, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। टिल देन मैन से गुड बाय एंड टेक केयर।